दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दीप्ति एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रियों ने और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बार घोषणाएं की हैं कि शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां बहुत जल्द आने वाली हैं। इसके लिए दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि बहुत बड़ा रोड़ा अटक गया है, जिसकी वजह से भर्तियां अगर सरकार को करवानी है तो उनको बहुत तेजी दिखानी होगी, जल्दबाजी दिखानी होगी, क्योंकि आचार संहिता के साथ साथ चुनाव की डेट भी घोषित हो गई है और चुनाव जितनी जल्दी हो जाएंगे दोस्तों उतनी जल्दी आचार संहिता भी लगेगी, क्योंकि ये चुनाव पहले आगे खिसक गए थे लेकिन अब ये चुनाव नवंबर में ही होने वाले हैं, जिसकी वजह से दोस्तों भर्तियों पर तलवार लटक गई है। अब क्यों ये घोषणा की जा रही है, क्यों मंत्री बार बार हमको बहलाते फुसलाते हैं कि भर्तियां आएंगी, लेकिन दोस्तों कंप्लीट जानकारी देंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकारी नौकरी तैयारी और शिक्षा संबंधी जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे जो भी एग्जाम है, चाहे वो RRB हो, चाहे वो व्यापम कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, सभी की तैयारियां फ्री में वीडियो प्लस PDF, करंट अफेयर्स, विज्ञान, हिंदी, गणित और भी बहुत सारी चीजें और ऑथेंटिक सही जानकारी भी लेकर आते हैं। तो प्लीज अगर हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि दैनिक भास्कर के माध्यम से हमको जानकारी पता चल चुकी है कि 26 से 30 नवंबर के बीच में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जो है वो 4 से 6 अक्टूबर के बीच में लग सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों भर्तियां तुरंत बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब भी आचार संहिता लगती है भर्तियां क्लोज हो जाती हैं। हमने पहले भी कहा था कि ये भर्तियां बहुत जल्द क्लोज हो सकती हैं, लेकिन चुनाव आयोग से बातचीत में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों को एक साथ कराने के लिए, जो कि जनवरी से फरवरी के बीच में होने वाले हैं, उसके लिए कवायद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाएं, जिस समय आचार संहिता जो है वो नवंबर से दिसंबर में लगने वाली थी, जिसकी वजह से जो भर्तियां हैं वो नवंबर दिसंबर तक चल सकती थी। लेकिन अभी अभी चुनाव आयोग ने इस फैसले को रद्द कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम तीनों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब मध्यप्रदेश में चुनाव और छत्तीसगढ़ के चुनाव जो है वो नवंबर में ही होंगे। छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान के तीनों चुनाव एक साथ होंगे। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि यह चुनाव चुनाव की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल है। पार्टियां चाहती हैं कि वोटिंग से पहले ही दिवाली, ईद के त्यौहार हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सकें। मध्यप्रदेश में क्योंकि लोग यहां वहां जाते हैं, इसकी वजह से चुनाव में कमी ना आए, इसके लिए इसको बाद में 26-27 के बाद ही चालू करेंगे। तो डेट दोस्तों दो चरणों में आने वाली है, 26-30 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन चुनाव अब नवंबर में ही होंगे, ये कहना है चुनाव आयोग का। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर 2014 को चुनावी कार्यक्रम जारी किया था, अधिसूचना 1 नवंबर को और वोटिंग जो है वो 25 नवंबर 2013 को की गई थी, बताई गई थी। तो सूत्रों के कहना है कि इन तिथियों के आसपास कई ऐसे जो हमारी वोटिंग है वो 30 नवंबर के आसपास या फिर 26 नवंबर, यानी दो चरण होंगे, तो 27-28 भी हो सकता है और 29-30 भी हो सकता है, ठीक है। तो लोग दोस्तों सरकार को चाहिए कि जो भर्तियां निकालने वाली है, जिसके लिए बार बार घोषणा कर रहे हैं, वो भर्तियां जितनी जल्दी हो सके निकाल दें, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में PEBP परेशान है कि वो कब नौकरियां कराएगा, क्योंकि इन्होंने स्लॉट जो तय किया था वो फरवरी स्लॉट तय किया था, उसमें आप देखेंगे PEBP टाइम टेबल में कि फरवरी का जो स्लॉट है उस फरवरी के स्लॉट में कोई एग्जाम नहीं कराई गई थी, वो केवल इस जो शिक्षा विभाग की परीक्षा होने वाली थी, अति शिक्षक के बाद अति शिक्षक का मामला भी अटका पड़ा था, उनका संविलियन अटका पड़ा था, सब कुछ होने के बाद ये चाहते थे कि जो चुनाव के पहले ये घोषणा की थी कि इस बार हो जाए, इसके लिए फरवरी का जो माह तय है वो तय किया गया था कि इसमें आपकी जो परीक्षा हो आयोजित की जाए, लेकिन उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। अब राजपत्र जारी करने के बाद भी सरकार वैसे की वैसी बैठी हुई है, लेकिन दोस्तों हम आपकी जानकारी अपडेट तुरंत कराते रहेंगे, आपके लिए सही जानकारी देते रहेंगे और सभी सभी जो एग्जाम है तैयारी कराते रहेंगे। तैयारियां जरूर करते रहें दोस्तों, भले एग्जाम आए ना आए, क्योंकि एग्जाम जब भी आएगी हमारी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। हम सब में आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, फ्यूचर के लिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा, हमारे बने रहें, हम आपकी तैयारी भी कराएंगे और आपको जानकारी भी सही समय पर देते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट बार बार यही कर रहा हूँ, शेयर इसलिए करें क्योंकि कई लोगों को पता है कि चुनाव जो है फरवरी, जनवरी फरवरी में लोकसभा के साथ होंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।